हे एवरीवन, वेलकम बैक टू TIO टीवी। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मीनल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेस पैक जिससे आपकी स्किन में वाइटनिंग आएगी और आपकी जो फेस की डलनेस है वो दूर होगी। साथ के साथ जो आपके चेहरे पे निखार आएगा ना, उसे देखकर सब लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्या किया तुमने, इतना सारा निखार कैसे आ रही है, हमें भी ये राज की बात बताओ। तो चलिए मैं आपके साथ ये वाला फेस पैक शेयर करती हूँ और ये जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हाँ मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फेस पैक है ना, वो पता है कितने रुपए में बनने वाला है? सिर्फ 10 रुपए में। और 10 रुपए में ऐसा निखार आएगा आपके चेहरे पे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेना है बोरिक एसिड। ये आसानी से केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है, मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 रुपए का एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। और आप जानते ही हो बोरिक एसिड के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। अगर आपके फेस पे या स्किन पे कोई एलर्जी हो तो इस पाउडर को यूज करेंगे ना, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके बहुत सारे रेमेडीज हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें लेना है बोरिक पाउडर। ये है बोरिक पाउडर। ये मेरे पास बड़ा पैक है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने पास बड़ा पैक मंगा रखा है। बाजार में आपको छोटा पैक मिल जाएगा, वो 10 से 20 रुपए या 15 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हमें ग्लिसरीन लेनी है। ग्लिसरीन लेना है और सिर्फ इन दो चीजों से आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा। तो इन दो चीजों से हमारे फेस पे ग्लो आने वाला है, मतलब इतना ज्यादा ग्लो आएगा ना कि लोग देख के आपसे पूछेंगे कि भाई क्या किया तुमने, इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो। तो चलिए बनाते हैं हम अपना फेस पैक। तो फेस पैक के लिए हमने लिया है एक कांच की बाउल। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बोरिक पाउडर लिया है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको करने से फेस पे बहुत ज्यादा हार्शनेस आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो इससे आपके फेस पे किसी भी प्रकार की एलर्जी में नहीं होगी और एलर्जी में ही ये काम आता है। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप इस फेस पैक को यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून बोरिक पाउडर और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून ही ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो। ये देखिए, जिस स्पून में मैंने बोरिक पाउडर लिया था उसी स्पून में मैं ग्लिसरीन ले रही हूं। आपको इसमें एक पेस्ट बनाना है, ये नहीं कि टूथपेस्ट की तरह, हाँ थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि गाढ़ा रहे, आपके फेस पे आसानी से लग जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है ग्लिसरीन तो थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, और अब मैं इसे फेस पैक के ब्रश की सहायता से मिलाऊंगी आसानी से। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाया है। अगर आपको यूज करना है हाथ पैरों पे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और हाँ मैं ये कहना चाहूंगी, इस फेस पैक को आप 3 दिन तो लगातार ही लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 वीक ही यूज करिएगा, ज्यादा नहीं कि आप 1 महीना ही यूज करने लगो। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है और अगर आपको लगे ये गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आप ग्लिसरीन और ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है यहां पर, तो मैं इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और ऐड करूंगी। ये देखिए, ये जो मैं आपको फेस पैक बता रही हूँ ये जो है थोड़ी सी ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। और अगर आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है या ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू के 2-4 बूंद डाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल लम्स ना रहे इसमें, एक स्मूथ सा पैक बन जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से बन गया है हमारा पैक। और मैं बताना चाहूंगी बोरिक एसिड आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे घमोरियां हो जाती है ना गर्मियों में पीठ पे हाथ पे, तो जो आपका जो पाउडर होता है नॉर्मल पाउडर जो आप यूज करते हो उसमें आप बोरिक पाउडर मिला के यूज करिएगा, आप देखेंगे घमोरियां बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं आपकी। इसको हम दाद में भी यूज करते हैं, तो दाद में आप कैसे यूज करेंगे, आप कोकोनट ऑयल लीजिएगा और कोकोनट ऑयल में
आप थोड़ा बोरिक पाउडर मिलाकर यूज करिएगा। तो जहां जहां आपके दाग है, एलर्जी हो रही है या और भी कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां लगा के यूज करिएगा। देखिए बहुत जल्दी बहुत आसानी से आपके ये जो दाने हैं या एलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। बोरिक पाउडर का यूज स्वेलिंग में भी काम आता है, जैसे चोट लग जाती है आपके इंजेक्शन के बाद, है ना, उस जगह पे जहाँ पे आपकी सुई लगी हुई होती है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो आपको करना क्या है, इसमें जो गर्म पानी में आप थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालिएगा और उसके उस जगह सिकाई कर लीजिएगा, तो उससे है ना आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको 2 से 3 दिन में बहुत इजीली आपका आराम पड़ने लग जाएगा। डॉक्टर भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये सबसे ज्यादा किस में यूज होता है, जब हमारी आईज में थोड़ी सी लालामी आ जाती है या रेडनेस हो जाती है, हल्का सा दर्द होने लगता है, थोड़ी सी मतलब इचिंग सी मचने लगती है, तो हम इसे हल्के से गुनगुने पानी में या नॉर्मल वाटर में इसको थोड़ा सा हम बोरिक पाउडर डालेंगे और उससे हम अपने आंखों की सिकाई करेंगे। सिकाई या थोड़ा बहुत पानी भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इसका मेडिकल यूज है, इसको हम यूज कर सकते हैं इजीली आइस के लिए। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जब हम आइस के लिए यूज कर सकते हैं, आइस हमारी कितनी सेंसिटिव है, तो हम अपने फेस के लिए या स्किन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं इजीली बिना डरे। बट फिर भी आप पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा, हो सकता है किसी को नुकसान हो जाए, कोई सेंसिटिव स्किन वाला हो उसको ना सूट करे। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इसको पैच टेस्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं यूज करिएगा, ठीक है। तो देखिए बातों बातों में जो है मेरा पैक बनके तैयार है, इसे मैं अब आप लोग के सामने अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है, तो देखिए इसे आपको 3 दिन यूज करना है। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप इसे नींबू मिलाकर यूज करना चाहें ना, तो आप ये जो अंडर आई है ना इधर आप यूज मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारी स्किन और काली पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है हमारा अंडर आई। तो इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ ग्लिसरीन और बोरिक पाउडर का ही यूज किया है, इसलिए मैं इजीली लगा रही हूं। देखिए कितनी इजीली हो रहा है, अभी तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप 3 बार यूज कर लेंगे ना तो आपका बहुत स्किन चमकने लगेगी। किसी के आप जा रहे हो तो आपको महंगे महंगे फेशियल्स के भी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो फेस पैक है इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए लगा के रखिएगा, या आधा घंटा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन खींचे। आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस फेस पैक को रात में सोने से पहले लगाएं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप दिन में कहीं भी लगा सकते हैं, बट दिन में अगर क्या है, आप इस फेस पैक को लगा के धूप में जाओगे तो आपके जो फेस में जो धूप पड़ेगी फिर से, तो आपकी स्किन फिर से वैसी हो जाएगी। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि इस पैक को आप रात के टाइम ही यूज करिएगा तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका हम एक क्लिंजर भी बना सकते हैं। क्लिंजर बनाने के लिए हमें ग्लिसरीन यूज करनी है, हमें बोरिक पाउडर यूज करना है, साथ में हमें है ना कच्चा दूध ले लेंगे, तो उसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा और उसमें आप ये मिला लीजिएगा दोनों चीजें, और रात में सोने से पहले चाहे आप ब्रश से लगा लीजिए, चाहे रुई के फाये से लगा लीजिए, या हाथों का इस्तेमाल करके अपने हाथ पैर फेस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहां पर भी आपको डलनेस लग रही है, इस फेस पैक को आप यूज करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इस फेस पैक का रिजल्ट कैसा मिला, ठीक है। तो गाइस अब हमारा जो फेस पैक हो गया, 5 मिनट हो गए हैं लगे हुए, तो अब हमें क्या करना है, इसे है ना हल्की सी है ना मसाज देनी है। आपको 5 से 10 मिनट की मसाज देनी है। ये आपको हर एक हल्का सा, बहुत हल्का सा, ज्यादा आप प्रेशर मत दीजिएगा, बस हल्का सा आप जो है हल्का सा मूव करते हुए ऐसे हल्का हल्का मसाज, जब आप क्रीम लगाते हो जैसे करते हो, हल्का हल्का देना है आपको मसाज। तो जिनके एक्ने है ना वो उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, पर एक्ने वाले उसमें हल्का सा नींबू जरूर मिला लीजिएगा, और आईज के किनारे तरफ बिल्कुल मत लगाना। ये हर कोई शेयर नहीं करता है, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे इसके रिजल्ट भी बताइएगा कि कैसा रहा आपके ऊपर। देखिए मसाज करते करते मेरे फेस पे चमक सी लगने लगी है। आप इसको चाहे तो है ना लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं, जो लिप्स का कालापन है वो भी दूर होगा और शाइन आएगी आपके लिप्स में।
तो मसाज करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट मैंने ऐसे ही इसको फेस पे छोड़ा था। तो अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। आप अगर और 5-7 मिनट छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने फेस पे छोड़ सकते हैं। तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। सिर्फ अभी एक बार ही यूज़ किया है और 15 से 20 मिनट ही मैंने लगाया है, ये देखिए। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी होम रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हीं कमेंट्स और लाइक की वजह से मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो भी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय।